नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जर्नलिज्म स्टूडेंट इन हिंदी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरव्यू के टिप्स। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू देते वक्त गलती से भी ना करें ये भूल, बिगड़ सकता है इम्प्रेशन। कहीं भी नौकरी पाने के लिए हमें इंटरव्यू से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी कई सारी गलतियाँ कर देते हैं जिसके चलते हम अपना इम्प्रेशन खराब कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी जॉब को पाने के लिए हमें इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। एक एक नौकरी के लिए आपके सामने काफी कंपटीशन होते हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप इंटरव्यू में शानदार तरह से इम्प्रेशन जमाएं। हमारी कोशिश तो होती है कि हम अपना इंटरव्यू बेस्ट दें, लेकिन फिर भी कई बार हम अनजाने में कई सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्प्रेशन बिगड़ जाता है। आइए जानते हैं इंटरव्यू देते वक्त हमें किन बातों का रखना होता है ध्यान। नंबर एक, सीवी में झूठ न लिखें। हम अपने सीवी में जो लिखते हैं उस पर इंटरव्यू में सवाल जरूर पूछा जाता है, इसीलिए अपने सीवी में कभी झूठ न बोलें, क्योंकि अगर इंटरव्यू के दौरान उस बात से जुड़ा कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप फंस सकते हैं और इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति पर बुरा इम्प्रेशन पड़ सकता है। नंबर दो, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर न बोलें। इंटरव्यू में जब भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो कोशिश करें उन सवालों का जवाब बढ़ा चढ़ा कर न दें। कई बार नौकरी पाने के लिए हम अपनी पर्सनालिटी के गुण बढ़ा चढ़ा के बताने लगते हैं। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, ऐसा करने से आप सामने वाले पर नेगेटिव असर डालते हैं। नंबर थ्री, गोलमोल जवाब न दें। इंटरव्यू में कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। ऐसे में आपको अगर किसी सवाल या विषय की जानकारी नहीं है तो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को आप बोल दें कि आपको जानकारी नहीं है। जिस बारे में जानकारी न हो उसका गोलमोल जवाब देने से बचना चाहिए। गोलमोल जवाब देने से आप अपना इम्प्रेशन खराब करते हैं। नंबर फोर, बातचीत के तरीके पर ध्यान दें। इंटरव्यू में आपको अपने बातचीत के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी टोन और शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अनौपचारिक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके हाथ आधी नौकरी आपसे दूर जा सकती है।